हेलो फ्रेंड्स, अंकिताज फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से बनने वाली ये काजू कतली की रेसिपी। बहुत ही बढ़िया बनती है ये घर में और बहुत ही आसान तरीके से, सिर्फ दो इंग्रेडिएंट यूज़ करके। आप बाज़ार से अगर लेते हैं तो आजकल तो बहुत ज़्यादा केमिकल और मिलावट वाला मिलता है, तो आप इसे घर पर ज़रूर बनाइए एक बार और इस रक्षाबंधन को बिल्कुल केमिकल फ्री, मिलावट फ्री बनाइए अच्छी अच्छी मिठाइयों के साथ। तो ये पहला मिठाई है रक्षाबंधन स्पेशल, मैं एक और लेकर आऊँगी। आप देख सकते हैं काजू कतली कितना अच्छा बना है और ये बिल्कुल सिंपल है, तो वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो देखने के बाद अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी अच्छी तरह से रक्षाबंधन मना सके घर की मिठाइयों से। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोज़ मिलते रहेंगे। शुरू करते हैं। काजू कतली बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको मेजरमेंट बताती हूँ कि कितना लेना है। सबसे पहले हम काजू एक कप में भर लेंगे। मैं आपको कप के हिसाब से पहले बता रही हूँ, ग्राम में भी बताऊँगी। ये देखिए, एक कप काजू लिया है मैंने। अब इसी कप से आधा कप काजू और ले रही हूँ। ये पूरे 200 ग्राम काजू है, तो डेढ़ कप हो गया। डेढ़ कप काजू पूरे 200 ग्राम है, काजू हो गया। अब देखते हैं चीनी कितना लेना है। क्वांटिटी पर ध्यान दीजिए, चीनी भी 200 ग्राम ही है, थोड़ा सा कम है। ये 250 ग्राम का ये मेजरिंग कप है, इससे आप थोड़ा सा कम लीजिए तो ये 200 ग्राम हो जाएगा। चीनी 200 ग्राम है, यहाँ पर मैंने 200 ग्राम काजू और 200 ग्राम चीनी लिया है। आप इसका मात्रा इसी हिसाब से बढ़ा लीजिए अगर आपको ज़्यादा बनाना हो। अब शुरू करते हैं। काजू को हम सबसे पहले साफ़ पानी से धो लेंगे। कई बार काजू जो है वो गंदा रहता है, तो बेटर है कि आप इसे अच्छे से धो लीजिए। तो इस तरह से आप अच्छी तरह से धो लीजिए। आप देख सकते हैं पानी थोड़ा सा गंदा हुआ है, इसका मतलब काजू थोड़ा गंदा था। अब काजू को हम ट्रांसफ़र कर देंगे ग्राइंडर जार में, क्योंकि हमें इसका बारीक सा पेस्ट बनाना है, बिल्कुल बारीक पेस्ट बनाना है। फ्रेंड्स, जब आप काजू का इस तरह से पेस्ट बनाने जाएंगे तो आपको एक प्रॉब्लम आएगा। थोड़े देर तो चलेगा ही, उसके बाद ये बंद हो जाएगा क्योंकि इसमें मॉइस्चर नहीं है। तो आप इसे थोड़ा सा नीचे सेट कर दीजिए बेस में जो ऊपर आ गया है, और इसमें थोड़ा सा आप पानी मिला दीजिए। ये देखिए, थोड़ा सा पानी मिलाइए, बहुत ज़्यादा नहीं। उसके बाद आप चला के देखिए, अगर वो अच्छी तरह से पीस रहा है तो अच्छा है। मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी मिलाया, उसी में काजू का पेस्ट बहुत अच्छी तरह से बन गया। आप देख सकते हैं, पानी की जगह आप दूध भी मिक्स कर सकते हैं, बट एक दो चम्मच ही तो यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा पानी यूज़ नहीं होता है। बिल्कुल हमें इस तरह से पेस्ट बनाना है। ये देखिए, मैं आपको दिखा दे रही हूँ, बिल्कुल भी पतला पेस्ट नहीं है, एकदम गाढ़ा है। देख सकते हैं आप, चम्मच से नीचे भी नहीं गिर रहा है स्पैचुला से, और एकदम चिकना बारीक पेस्ट है, बिल्कुल स्मूद। तो हमें ऐसा ही पेस्ट बनाना है, बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए और पतला एकदम स्मूद होना चाहिए। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम इस सभी पेस्ट को पूरा इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। ये देखिए, फ्लेम गैस का लो रहेगा, बिल्कुल लो सिम पर हम रखेंगे। सारा पेस्ट इसे हम हाथों से इस तरह से निकाल लेंगे, क्योंकि चम्मच से पूरा अच्छी तरह से नहीं निकल पाएगा। आप बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए इसका, बिल्कुल अच्छी तरह से हाथों से बिल्कुल निकाल लीजिए। अब पेस्ट मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है, अब पूरा चीनी भी इसी में डाल देंगे तुरंत। ये देखिए, काजू का पेस्ट और चीनी डालने के बाद आप इसे इस तरह से मिक्स कर लीजिए। धीरे धीरे ये मेल्ट होने लगेगा खुद ब खुद, आप देखेंगे जैसे जैसे कढ़ाई का तापमान बढ़ेगा, यानी कि जैसे जैसे कढ़ाई हीट होगा, चीनी और काजू का पेस्ट हीट होगा, ये बिल्कुल आसानी से मेल्ट होने लगेगा। ये देखिए, अभी से ये मेल्ट होना शुरू हो गया, लेकिन फ्लेम मैंने लो रखा है। हम लो फ्लेम पर ही इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखिए, क्योंकि हमें इसकी नमी सुखाना है। ये मेल्ट होने के बाद देखिए, इसका फ्लो होने लग गया ना पेस्ट में, तो ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है मेल्ट होने के बाद। इसमें मॉइस्चर भी है, तो इसका पानी सुखाना है हमें, ताकि एकदम गाढ़ा आटा जैसा तैयार हो। ये देखिए, इसे आप कंटिन्यू चलाते रहिए, थोड़ा मेहनत लगेगा, 10 से 15 मिनट लग जाएंगे आपको, इस तरह से कंटिन्यू चलाना पड़ेगा। आप छोड़ के कढ़ाई को ऐसे नहीं जा सकते हैं, मतलब आप स्पैचुला इसमें छोड़ कर नहीं जा सकते हैं। आप इसे कंटिन्यू चलाइए बिल्कुल इस तरह से धीरे धीरे, क्योंकि ये चिपक सकता है नीचे, फिर आपका काजू कतली अच्छा नहीं बनेगा। आप देख सकते हैं मैं कंटिन्यू इसे चला रही हूँ इस तरह से। ये देखिए, फ्री फ्लोइंग पेस्ट है बिल्कुल। अभी चलाते चलाते ये एक टाइम पे आटा जैसा तैयार होने लगेगा। आप देख सकते हैं डो जैसा दिख रहा है ये। जब ये ऐसा दिखने लग जाए डो जैसा, तो आप समझिए कि ये लास्ट स्टेज में है।
फ्रेंड्स मुझे ये टोटल 15 मिनट लगे हैं बिल्कुल लो फ्लेम पर ऐसा स्टेज में लाने के लिए। आप कलर भी देख सकते हैं इसका चेंज हो गया है। यहीं पर हम डाल देंगे घी थोड़ा सा, आप चाहे तो सारा घी एक बार में डाल सकते हैं। 2 चम्मच घी लिया है मैंने छोटे चम्मच से, मैं अभी थोड़ा सा डाल रही हूँ, इससे ग्रीसिंग हो जाता है इसका, चिपकेगा नहीं। और दूसरा है कि बहुत अच्छा स्वाद आता है देसी घी डालने से, तो आप देसी घी ज़रूर डालिए। ये देखिए इस तरह से डाल के फाइनली आप देख सकते हैं बिल्कुल लोई जैसा तैयार हो रहा है। इसके बाद जब ये ऐसा हो जाए, लास्ट में घी डालने के बाद आप फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिए, उसके बाद इसे ठंडा होने के लिए थोड़ा छोड़ दीजिए, इतना कि हम इसे हाथ से इजीली छू सकें। और जब ये ऐसा हो जाए ना आपस में, ये देखिए लोई जैसा जब बनने लग जाए, जब आपको लगे कि बाइंड हो रहा है आसानी से बन जाएगा, तो आप इसे एक बटर पेपर पर डाल दीजिए। अगर बटर पेपर नहीं है तो आप स्लैब पर थोड़ा सा घी लगाकर और डायरेक्ट स्लैब पर डालिए, उससे काजू कतली अच्छी बनेगी स्लैब पर डालने से। या कोई बर्तन पर थोड़ा सा घी अप्लाई करके थाली के बैक साइड पे, मतलब थाली के पीछे साइड पे भी आप डाल सकते हैं। अब ये देखिए हल्के हाथों में घी लगाकर और इसे आप फैला दीजिए थोड़ा, और बटर पेपर एक ऊपर से लेयर डाल दीजिए इस तरह से। उसके बाद हम इसे बेल लेंगे, बहुत ही आसानी से बेल जाता है। मैं बहुत पतले पतले बनाती हूँ, आपको जितना थिकनेस चाहिए, कितना मोटा काजू कतली चाहिए या पतला चाहिए उसके हिसाब से आप इसे बेल लीजिए। मैंने बिल्कुल पतला पतला बनाया था जैसा कि आपने देखा है वीडियो में। ये देखिए इस तरह से आप बेल लीजिए बिल्कुल। आप स्लैब पर भी डायरेक्ट बेल सकते हैं, उससे भी बढ़िया बन जाता है। अगर बटर पेपर हो तो बेस्ट है, नहीं है तो चलेगा, स्लैब पर भी हो जाता है इजीली आराम से। आप बेलन में घी लगाकर उसे बेल सकते हैं, वो चिपकेगा नहीं। ये देखिए बेल कर मैंने इसे तैयार कर लिया है, अब उसका अपर लेयर हटा दूँगी। आप देख सकते हैं इधर से भी थोड़ा सा मैं फोल्ड कर दूँगी, शेप थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, कोई बात नहीं। अब आप इसे काट लीजिए नाइफ से। ये देखिए अब ये हल्का सा गर्म ही है तो देखिए चिपक रहा है ना, काटने में तो थोड़ी सी परेशानी होती है नॉर्मल वाले नाइफ से काटने में। ये देखिए थोड़ा सा आप इस पर घी अप्लाई कर दीजिए, और जो अगर चिपके नाइफ पर तो आप उसे निकाल दीजिए। ये देखिए इस तरह से ऐसे ऐसे करके मैंने सारा इसे काट लिया है। अब हॉरिजॉन्टल तो मैंने काट दिया, हमें इसके डायमंड शेप देना है, तो आप इस तरह से इसे टेढ़ा काटिए, तो इससे आपको एक बढ़िया सा डायमंड फिनिशिंग मिलेगा डायमंड शेप का। ये देखिए इस तरह से हमें बाकी सारे को भी अच्छे से काट लेना है। घर के नाइफ से काटने में थोड़ी परेशानी होती है, और जैसा कि मैंने बोला ये भी थोड़ा गर्म ही है, बहुत ठंडा नहीं हुआ है। ये देखिए धीरे धीरे ये ठंडा होके बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, और बहुत अच्छा लगता है ये काजू कतली। ये देखिए घर का बना हुआ एकदम फ्रेश, बिल्कुल मिलावट फ्री, इसमें कोई केमिकल नहीं है, और चीनी काजू के अलावा तो कुछ मिलाया भी नहीं मैंने, थोड़ा सा घी मिलाया था। आप देख सकते हैं इसका शेप कितना अच्छा है ना, बिल्कुल अच्छी स्मूथ फिनिशिंग वाली काजू कतली। फ्रेंड्स आप ज़रूर बनाइए, अपने भाई को इस रक्षाबंधन पर ये मज़ेदार काजू कतली खिलाइए, तो सबको अच्छा लगता है। और अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको लगा कैसा। अब एक ट्रिक है दोस्तों, जब हम मिठाई बनाते हैं ना तो हमसे पहले चींटियों की बारात आ जाती है, वो लोग खाने लगते हैं, तो उससे बचने के लिए ये ट्रिक है। थाली में आप पानी डाल दीजिए एक कटोरी, ताकि एक लेयर बन जाए। उसके बीचों बीच एक स्टैंड रख दीजिए अगर है तो, या कटोरी रख दीजिए, और उस कटोरी पर आप मिठाई को रख दीजिए। चींटियाँ बिल्कुल नहीं पहुँच पाएंगी, इस तरह से आप अपने मिठाई को सेव कर सकते हैं। दोस्तों मैं एक और मिठाई लेकर आने वाली हूँ रक्षाबंधन स्पेशल, तो आप मेरे वीडियोज़ देखते रहिए। मेरे और भी वीडियोज़ देखने के लिए स्क्रीन पर आ रहे वीडियोज़ को क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में।